नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप से देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो आज के इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूँ हुंडई एक्सटर एंड टाटा पंच के बीच में। तो शुरुआत करते हैं उनकी प्राइसिंग से। टाटा पंच की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,99,900 रुपीस से और सीधा जाती है 9,51,900 रुपीस तक। वहीं हुंडई एक्सटर के बारे में बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,99,999 रुपीस से और सीधा जाती है 10,09,990 रुपीस तक एक्स शोरूम। तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में टाटा पंच है वो ज़्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू हुंडई एक्सटर। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन की। तो शुरुआत करते हैं टाटा पंच से। टाटा पंच में आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है और ये है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 88 PS की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। ये अवेलेबल है एक 5 स्पीड के मैनुअल और एक AMT के साथ। वहीं हुंडई एक्सटर के बारे में बात की जाए तो पहला यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 83 PS की पावर एंड 113.8 Nm का टॉर्क। ये भी अवेलेबल है एक 5 स्पीड के मैनुअल और एक AMT के साथ। दूसरा, इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन मिलेगा जो फिलहाल तो टाटा पंच में अवेलेबल नहीं है लेकिन उसमें भी जो है जल्द ही आने वाला है। तो CNG में जनरेट करती है 69 PS की पावर एंड 95.2 Nm का टॉर्क। ये अवेलेबल है सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही CNG में, लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल में जो है आपको AMT का भी ऑप्शन मिलता है, CNG में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। वहीं इनकी माइलेज के बारे में बात की जाए तो टाटा पंच मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर करती है 20.09 km की माइलेज एंड AMT में ऑफर करती है 18.8 km की माइलेज। वहीं हुंडई एक्सटर के बारे में बात की जाए तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर करती है 19.4 km की माइलेज एंड AMT में ऑफर करती है 19.2 km की माइलेज। वहीं इसके CNG के बारे में बात की जाए तो CNG में डिलीवर करती है 27.1 km/kg की माइलेज। तो यहाँ पे माइलेज के मामले में अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो माइलेज के मामले में जो है टाटा पंच ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है, लेकिन अगर आपको CNG चाहिए तो इन दोनों में से जो है फिलहाल तो सिर्फ हुंडई एक्सटर ही CNG ऑफर कर रही है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो दोनों ही गाड़ी के डायमेंशन जो है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेंथ में टाटा पंच जो है वो हुंडई एक्सटर से 12 mm जो है ज़्यादा बड़ी है। विड्थ में अगेन टाटा पंच हुंडई एक्सटर से 32 mm जो है ज़्यादा वाइड है। हाइट में हुंडई एक्सटर टाटा पंच से 16 mm ज़्यादा बड़ी है एंड व्हील बेस में अगेन हुंडई एक्सटर जो है वो टाटा पंच से 5 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। सो टाटा पंच जो है ये ऑफर करती है 366 लीटर्स की बूट स्पेस एंड हुंडई एक्सटर ऑफर करती है 391 लीटर्स की बूट स्पेस जो टाटा पंच से 25 लीटर ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं व्हील्स की। तो टाटा पंच लोअर वेंट में ऑफर करती है 15 इंच के व्हील्स जिनका टायर साइज है 185/70R15 एंड टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर करती है 16 इंच के व्हील्स जिनका टायर साइज है 195/60R16। वहीं बात की जाए हुंडई एक्सटर की तो हुंडई एक्सटर लोअर वेरिएंट में ऑफर करती है 14 इंच के व्हील्स जिनका टायर साइज है 165/70R14 एंड टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर करती है 15 इंच के व्हील्स जिनका टायर साइज है 175/65R15। तो यहाँ पे टाटा पंच जो है वो ज़्यादा बड़े एंड बेटर टायर प्रोफाइल ऑफर कर रही है एज़ कम्पेयर टू हुंडई एक्सटर। वारंटी के बारे में बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ एक्जैक्टली सेम 3 ईयर्स और 1 lakh km तक की जो है स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ी के फीचर्स की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की, यानी कि वो फीचर्स जो दोनों ही गाड़ियों में सेम आते हैं। तो ये हैं LED TRL, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, स्मार्ट कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट, लेदरेट सीट्स एंड कनेक्टेड कार टैग जैसे फीचर्स। वहीं टाटा पंच के हाईलाइटेड फीचर के बारे में बात की जाए तो ये हैं मल्टी ड्राइव मोड्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, 7-inch TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 JBL स्पीकर्स, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर आर्मरेस्ट, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स, ब्रेक सोए कंट्रोल, 90° डोर ओपनिंग्स एंड पडल लैम्प्स जैसे फीचर्स। वहीं हुंडई एक्सटर के हाईलाइटेड फीचर के बारे में बात की जाए तो ये हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, 8-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुटवेल लाइटिंग्स, पैडल शिफ्टर्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स, USB टाइप सी सॉकेट्स, डैश कैम विद डुअल कैमरा, स्पोर्टी मेटल पेडल्स,
एंड एम्बियंट साउंड ऑफ नेचर जैसे फीचर। तो फीचर के मामले में जो है Hyundai Exter एक फीचर लोडेड गाड़ी है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो टाटा पंच ऑफर करती है डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक्स वे कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर। वही Hyundai Exter के बारे में बात की जाए तो ये जो है ये सारे फीचर्स आपको Hyundai Exter में मिलेंगे सिवाय ब्रेक्स वे कंट्रोल के। लेकिन उसके अलावा Hyundai Exter ऑफर करती है 6 एयरबैग्स, वो भी एस स्टैंडर्ड, यानी कि आपको हर एक वेरिएंट में जो है 6 एयरबैग मिलेंगे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे फीचर्स। बाकी सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात की जाए तो टाटा पंच ने स्कोर कराया 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल NCAP में। वहीं Hyundai Exter की फिलहाल तो कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं आई है, ऑल्दो Hyundai कहता है कि उन्होंने जो है यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ व्हील को यूज़ करा है, लेकिन ये गाड़ी जो है ओवरऑल बिल्ट है ग्रैंड आइटन नियोस के प्लेटफॉर्म में, जिसने ग्लोबल NCAP में स्कोर कराया है 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, तो इस पर जो हम इतना कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से आखिर कौन सी गाड़ी को परचेज करना चाहिए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी फीचर्स है, आपको एक फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए जिसके साथ जो है आपको एक रिफाइंड इंजन मिल जाए, ऑल दो टाटा पंच में भी जो है आपको रिफाइंड इंजन मिलता है BS6 फेज 2 के बाद, लेकिन फिर भी जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है वाइब्रेशन फील होती है क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। इसलिए अगर टाटा पंच का इंजन जो है वो 19 है तो Hyundai Exter का जो इंजन है वो 20 नहीं तो 21 है। सो अगर आपकी प्रायोरिटी ये दो चीज़ें हैं, फीचर लोडेड गाड़ी एंड एक रिफाइंड इंजन, तो आप Hyundai Exter की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, आपको फीचर से जो है इतना कुछ लेना देना नहीं है, आपको जो है सिर्फ कन्वीनियंस के फीचर मिल जाए, तो अगर आपकी प्रायोरिटी ये दो चीज़ें हैं तो इस केस पे जो है आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी वीडियो टाटा पंच एंड Hyundai Exter के कंपैरिजन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।